हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बोलने वाला हूँ यूपीएससी एनडीए 2 की तरफ से नई ऑनलाइन फॉर्म निकल कर आई है। तो इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है उसकी स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक आपको बोलने वाला हूँ, जहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की पोस्ट देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 12 पास होना पड़ेगा, ठीक है। और अपेयरिंग होने से ही आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको इस नोटिफिकेशन पर 400 पद आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ, ठीक है। तो इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया, उस पर जगह एक क्लिक की तो आप इस नोटिफिकेशन पर आ जाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड पर CDS 2 और NDA 2 की निकल कर आई है। तो मैं आपको NDA 2 की बोलने वाला हूँ कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको राइट साइड में क्लिक हेयर फॉर Part 1 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना पड़ेगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस सब रीड आउट कर लेना है। रीड आउट करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करने के पूरे लास्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर यस पर सिंपली क्लिक कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर Part 1 रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको नाम देना पड़ेगा, आपकी जेंडर देना पड़ेगा, आप अगर मेल और फीमेल है तो डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, नेशनलिटी आपको इंडियन देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस आपको अनमैरिड देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको कम्युनिटी, आपकी कौन सी कम्युनिटी SC ST OBC है तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। OBC है तो आपको यहाँ पर OBC के लिए आपको कई सारी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर उस OBC की डॉक्यूमेंट PDF में आपको अपलोड भी करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको OBC के लिए आपकी क्रेमी लॉयर की डॉक्यूमेंट है तो आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नहीं है तो नो करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर SC है तो आपको यहाँ पर SC भी दे सकती है। और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा SC की, ठीक है। उसके बाद आपकी माइनॉरिटी है तो आपको यहाँ पर यस कर सकते हो, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर माइनॉरिटी है तो यहाँ पर, उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली स्क्रॉल डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको से एडुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी कौन सी एडुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको 12th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ था आई है तो आपको फर्स्ट चूज करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर फर्स्ट चूज करना पड़ेगा, है तो आपको सेकेंड आपको यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस देना पड़ेगा, Line 1, Line 2, Line 3 से आपको यहाँ पर एड्रेस देने के बाद ये UT और स्टेट, आप कौन से स्टेट पर आप बिलोंग करती हो तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है तो आपको यहाँ पर देने के बाद आपको यहाँ पर पिन कोड देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, आप मोबाइल नंबर देने के बाद दूसरा एक मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, आपकी मोबाइल नंबर देने के बाद ईमेल आईडी देना पड़ेगा, कॉन्फर्म ईमेल आईडी करने के बाद ऑनलाइन ऑल्टरनेटिव और एक ईमेल आईडी देने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली राइट साइड में कंटिन्यू पर क्लिक कर देना पड़ेगा। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी कार्ड की आपको यहाँ पर चूज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो आईडी, ठीक है, आपको वोटर आईडी आपको चूज कर लेना है, ठीक है। आपको चूज करने के बाद आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड की नंबर आपको उस नंबर आपको देना पड़ेगा, दोबारा से एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस ऑप्शन को आपको ध्यान से चेक कर लेना है, ठीक है। आपकी यहाँ पर देखो आर्मी से या नेवी से, एयरफोर्स या नेवल एकेडमी से आप अप्लाई करना चाहती हो तो आपको यहाँ पर ध्यान से करना पड़ेगा। आपको इस बॉक्स में 1, 2, 3, 4 आपको करना पड़ेगा, आपकी अकॉर्डिंग आपको ये करना पड़ेगा। और अगर नहीं करना चाहती हो तो आपको सिंपली 0 इस बॉक्स पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग ये 1, 2, 3 और 0 आपको चूज कर लेना है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग चूज करने के बाद आपके यहाँ पर देखो, आप अगर सैनिक और मिलिट्री स्कूल से आप स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी, आप अगर JCO, NCO और अदर रैंक ऑफिसर की स्टार्टिंग स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा, नहीं तो सिंपली नो करने के बाद सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना पड़ेगा।
तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखो आधार कार्ड की आपको नंबर आईडी नंबर आपको यहाँ पर देने के बाद आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। ठीक है, तो आधार कार्ड नंबर देने के बाद एग्जामिनेशन चूज करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पढ़ लेना है। तो ये सब डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद आपके पास यहाँ पर देखो आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड आई एग्री, तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना पड़ेगा। तो एग्री पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर प्रिंट दिखा रहा है, ठीक है, तो व्यू एंड प्रिंट एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना पड़ेगा। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी देना पड़ेगा और डेट ऑफ बर्थ देने के बाद कैप्चर भरने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो सबमिट पर क्लिक करने से आपकी प्रिंट कर सकती हो। ठीक है, तो आपको ये प्रिंट कर लेना है, ठीक है, फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज यही था हमारी वीडियो, थोड़ा इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो का अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन कॉल कर देना, क्योंकि इसी तरह हमें यूनिक से यूनिक जॉब की नोटिफिकेशन और कैसे अप्लाई भी करना है और सब जॉब की नोटिफिकेशन की हर अपडेट इस चैनल पर डेली से डेली आपके पास लेकर आता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।